हेलो अस्सलाम वालेकुम। हम जो हिंदुस्तान में रहते हैं अक्सर सुनते हैं जो हमारे मुल्क के लिए ये शहीद हुआ है वो शहीद हुआ, मगर जब हमारे वीर शहीद अब्दुल हमीद के नाम आता है अपने ये कौम के आदमी हम भी फख्र महसूस करते हैं, और यही फख्र के कारण है कि हमारे हिंदुस्तान के आजादी में भी कंट्रीब्यूशन था और हिंदुस्तान को महफूज रखने के लिए अब्दुल हमीद के तरफ वीर जो हमारे शहीद हैं जो लड़ते लड़ते अपना जान दिए हैं उसके लिए भी हमारे कौम को फख्र महसूस होता है। तो इसलिए आज हम सब उनके लिए मना रहे हैं और अल्लाह से यही दुआ करते हैं जो उनके जो रूह है वो शान है, उसको उनका जो शहीद होते हैं उसको जन्नत हासिल होता है, और यही दुआ आज करना है। इसलिए वो हमारे कौम को फख्र दिए हैं जो हिंदुस्तान के लिए लड़ रहे हैं, लड़ते लड़ते शहीद हो गए। इसलिए आइए हम सब उनके जन्नत हासिल के लिए दुआ करें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे हरदिल अजीज लीडर जनाब फिराद अकीम साहब का कि वो कीमती वक्त निकाल के हमारे बीच आए हैं। अफजल अंकल हमारे दरमियान मौजूद हुए हैं हमारे आपके हरदिल अजीज लीडर और शहर निशात के मेयर जनाब फिराद हकीम साहब और तरफ से उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे कि भोभी दा चाहे कलकत्ता पूर्व में इलाका हो चाहे कलकत्ता और आवाज सजवा देते हैं, और हमेशा जब से वो इस इलाके के विधायक बने चाहे वो कोई भी प्रोग्राम हो कोई भी जलसा हो कोई भी कॉन्फ्रेंस हो कोई भी धार्मिक या मजहबी बात हो उसमें वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, और ये हमारी खुशनसीबी है कि हमारे दरमियान एक ऐसा लीडर मौजूद हुआ है जिस लीडर को हम लोग सोना नहीं बल्कि कोहिनूर कहेंगे, और एक ऐसा कोहिनूर जिसका चमक कभी कम नहीं होता, और वो कोहिनूर का नाम है जनाब फिराद हकीम। और इस कोहिनूर जो हमारे बीच में है उनके शान में हम लोग बस यही कहना चाहेंगे कि नहीं तेरा नशे मन कस सुल्तानी के गुंबद पर खुशी है बसेरा पर पहाड़ों की दुकानों पर सबक पर अदालत का दिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। और